Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Asif Nadeem. I am working as subject specialist physics at Vision Public School and College Sahiwal. I welcome you to DPS online classes. Let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Students, aap second year physics mein chapter number 16 alternating current padh rahe hain. आज के लेक्चर में हम बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू एन इंडक्टर पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन 16.2 और 16.4 सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। इनमें सबसे पहले है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसे इलेक्ट्रिक करंट को कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चेंज होती है। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसे वोल्टेज सोर्स से प्रोड्यूस होता है जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ रिवर्स होती रहती है। डायरेक्ट करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट दैट ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट एक ऐसे करंट को कहा जाता है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। डायरेक्ट करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट भी कहा जाता है। इंडक्टर, एन इंडक्टर टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ एन इंसुलेटेड वायर वाउंड इनटू अ क्वाइल अराउंड अ कोर। अगर एक कोर के ऊपर इंसुलेटेड वायर को क्वाइल के फॉर्म में वाउंड किया जाए तो ये हमारे पास इंडक्टर बन जाता है। जब इंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर क्वाइल की एक फॉर्म है जिसको सोलेनोइड भी कहा जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ क्वाइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम क्वाइल। सेल्फ इंडक्टेंस क्वाइल में इंड्यूस ईएमएफ की उसी क्वाइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ रेशो होती है। सेल्फ इंडक्टेंस क्वाइल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्वाइल क्वाइल में फ्लो होने वाले करंट में चेंज को अपोज करती है। सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एल इज इक्वल टू ई एल डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सिस्टम इंटरनेशनल में सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर है जो कि हेनरी के इक्वल है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ एज बैक ईएमएफ, हमारे पास रिलेशन है ई एल इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, यहां पे ई एल सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी क्वाइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन के मुताबिक जब क्वाइल में करंट चेंज होता है तो उसी क्वाइल में ईएमएफ रिड्यूस होती है, इसी वजह से इस ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहा जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि एल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है तो हमारे पास सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। और इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ उसी चेंज यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, इसी वजह से सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट, इन जियोमेट्री द टेंजेंट लाइन आर सिंपली टेंजेंट टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द कर्व एट दैट पॉइंट। अगर हम कर्व के ऊपर किसी गिवन पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन लें और ये स्ट्रेट लाइन कर्व के ऊपर पॉइंट को जस्ट टच कर रही हो तो कर्व के ऊपर इस गिवन पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट लाइन या सिंपली टेंजेंट का नाम दिया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, फर्ज करें एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x।
यहाँ पे डेल्टा वाई वाई टू माइनस वाई वन के इक्वल है, जो कि चेंज अलोंग वाई एक्सिस है, और डेल्टा एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन के इक्वल है, जो कि चेंज अलोंग एक्स एक्सिस है। स्टूडेंट्स, अब हम स्लोप के कुछ ट्रेंड्स देखते हैं। इंक्रीजिंग लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है, यानी इस केस में चेंज अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव आएगा और चेंज अलोंग एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप पॉजिटिव आएगा। डिक्रीजिंग लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है, यानी इस केस में चेंज अलोंग वाई एक्सिस नेगेटिव आएगा, चेंज अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमारे पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स नेगेटिव होगा, यानी स्लोप भी नेगेटिव होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है, इस केस में चेंज अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास जीरो आएगा, चेंज अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। जैसा कि हम जानते हैं, जीरो ओवर समथिंग जीरो के इक्वल होता है, इस वजह से डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास जीरो आएगा, यानी स्लोप जीरो होगा। वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है, इस केस में चेंज अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, चेंज अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास जीरो होगा। जैसा कि हम जानते हैं, समथिंग ओवर जीरो इनफिनिटी होता है, तो इस केस में डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास समथिंग ओवर जीरो यानी इनफिनिटी के इक्वल आएगा। इस तरह वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होगा। एसी थ्रू एन इंडक्टर, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक इंडक्टर क्वाइल या सोलेनोइड की फॉर्म में होता है, जिसको थिक वायर के वाउंड करने से बनाया जाता है। क्योंकि इंडक्टर को थिक वायर से बनाया जाता है, इस वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ज्यादा होने की वजह से इंडक्टर की रेजिस्टेंस नेगलिजिबल होती है और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू लार्ज होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर रेजिस्टर को एसी सोर्स के टर्मिनल्स के क्रॉस कनेक्ट किया जाए तो वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, और अगर कैपेसिटर को एसी सोर्स के टर्मिनल्स के क्रॉस कनेक्ट किया जाए तो करंट वोल्टेज से बाय फेज ऑफ 90 डिग्री लीड करता है। इसी तरह आज के क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि अगर इंडक्टर को एसी सोर्स के टर्मिनल्स के क्रॉस कनेक्ट किया जाए तो वोल्टेज और करंट किस तरह फ्लो करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस एल के इक्वल है, उसको एसी सोर्स के टर्मिनल्स के क्रॉस कनेक्ट किया गया है। फर्ज करते हैं क्वाइल की रेजिस्टेंस नेगलिजिबल है, सर्किट में किसी भी गिवन इंस्टेंट पर फ्लो होने वाला करंट हमारे पास I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। यहाँ पे I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, I नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड है, इस वजह से करंट फंक्शन ऑफ साइन होगा, और यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल टी टाइम ऑफ एनी इंस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई एफ के इक्वल है, अगर इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई एफ टी के इक्वल आता है। L इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इंडक्टर को एसी सोर्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। इंडक्टर की क्वाइल में जब करंट चेंज होता है तो करंट चेंज होने की वजह से क्वाइल में बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है। बैक ईएमएफ और उसके मैग्नीट्यूड का रिलेशन हमारे पास है, ई एल इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। चूंकि इंडक्टर की क्वाइल को थिक वायर से बनाया गया है, इस वजह से क्वाइल की रेजिस्टेंस नेगलिजिबल है। बैक ईएमएफ क्वाइल में करंट के फ्लो को अपोज करती है। अगर हम सर्किट में कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट का फ्लो चाहते हैं तो हमें अप्लाइड वोल्टेज को बैक ईएमएफ के बराबर रखना होगा। अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू बैक ईएमएफ। इस इक्वेशन में अगर हम ईएल की वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है वी इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। जैसा कि एल कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी आई टी कर्व में स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के मुताबिक किसी भी गिवन इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू आई टी कर्व में स्लोप ऑफ लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी।
आप फिगर में देख सकते हैं ब्लू कर्व करंट की टाइम के लिहाज से वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है और रेड कर्व वोल्टेज की टाइम के लिहाज से वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टूडेंट्स अब हम आईटी कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप यूज करेंगे। अगर हम पॉइंट ओ के ऊपर स्लोप लें तो पॉइंट ओ के ऊपर स्लोप डेल्टा आई वो डेल्टा टी हमारे पास मैक्सिमम आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज भी मैक्सिमम आएंगे जो कि वी नॉट के इक्वल हैं। मैक्सिमम वोल्टेज को ओ पी से रिप्रेजेंट किया गया है। पॉइंट ओ से पॉइंट ए की तरफ स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ डिक्रीज करता है। अगर हम पॉइंट ए के ऊपर स्लोप लें तो पॉइंट ए के ऊपर स्लोप डेल्टा आई वो डेल्टा टी हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं कि पॉइंट क्यू के ऊपर वोल्टेज भी जीरो हो जाते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ स्लोप हमारे पास नेगेटिव आता है तो इस वजह से हमारे पास वोल्टेज कर्व क्यू टू आर आती है। अगर हम पॉइंट बी के ऊपर स्लोप लें तो पॉइंट बी के ऊपर स्लोप हमारे पास नेगेटिव आएगा लेकिन मैक्सिमम होगा, इस वजह से पॉइंट आर के ऊपर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है। स्टूडेंट्स इस तरह करंट कर्व ओ ए बी सी डी के कोरस्पोंडिंग हमारे पास वोल्टेज कर्व पी क्यू आर एस टी आती है। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, अगर हम इन कर्व्स पे पेयर ऑफ पॉइंट्स ओ पी पे फेजेस का कंपैरिजन करें तो फेज ऑफ वोल्टेज 90 डिग्री है, फेज ऑफ करंट 0 डिग्री है, इसलिए वोल्टेज करंट को 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से लीड कर रहा है। इस तरह पेयर ऑफ पॉइंट्स ए क्यू पे अगर हम फेजेस का कंपैरिजन करें तो फेज ऑफ वोल्टेज 180 डिग्री है, फेज ऑफ करंट 90 डिग्री है, इसलिए इन पेयर ऑफ पॉइंट्स पे भी वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड कर रहा है। इस तरह कर्व के ऊपर दूसरे पेयर ऑफ पॉइंट्स बी आर सी एस और डी टी पे अगर हम फेजेस का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड करता है। अगर हम इसको ग्राफिकली या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहें तो एट टी इज इक्वल टू जीरो करंट जीरो से पॉजिटिवली इंक्रीज करता है, इस वजह से करंट को हम हॉरिजॉन्टल या रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लेते हैं। और स्टूडेंट्स चूंकि वोल्टेज करंट को 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से लीड करता है, अगर हम वोल्टेज को इस तरह लें तो आप टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि इंडक्टर में अप्लाइड वोल्टेज करंट को 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से लीड करता है, या हम यूं कह सकते हैं कि इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से लैग करता है। स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट टाइम की वैक्टर रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो हम इन वैक्टर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह रोटेट करवाएंगे कि रोटेटिंग वैक्टर की एंगुलर फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की एंगल फ्रीक्वेंसी के सेम हो, तो हम इन पॉइंट्स के ऊपर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, स्टूडेंट्स जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन द सेम वे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर to the flow of alternating current. Inductive reactance is represented by XL. Inductive reactance को define करते हैं। Inductive reactance is the ratio of RMS value of voltage to the RMS value of current. Mathematically, reactance of inductor XL is equal to VRMS divided by IRMS. Dependence of inductive reactance. रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स और इंडक्टेंस ऑफ कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर का रिलेशन आता है एक्स एल इज इक्वल टू 2πfL। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं 2πf ओमेगा के इक्वल है, तो हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर का रिलेशन आएगा एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अगर इंडक्टेंस ऑफ कॉइल एल कॉन्स्टेंट है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। स्टूडेंट्स इस रिलेशन का मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स लो होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर स्मॉल होगा और सर्किट करंट लार्ज होगा, और इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स हाई होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर लार्ज होगा
और सर्किट करंट जो है वो स्मॉल होगा। इसका मतलब ये है कि जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर लार्ज हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करें और इंडक्टेंस को हेनरी में मेजर करें तो सिस्टम इंटरनेशनल में रिएक्टेंस का यूनिट ओहम होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट बिहेव करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जैसा कि आज के टॉपिक में हमने पढ़ा, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन रिलेशन से अगर हम देखें, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर स्मॉल होगी और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर लार्ज आएगी, और इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर लार्ज होगी और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर स्मॉल होगी। पावर डिसिपेशन इन एन इंडक्टर। स्टूडेंट्स, अगर हम फिगर में देखें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ साइकिल में वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव है, करंट भी हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि पावर जो है हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई के इक्वल होती है, तो पावर भी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। पावर पॉजिटिव का मतलब ये है एनर्जी इज सप्लाई टू इंडक्टर। अगर हम सेकेंड क्वार्टर ऑफ साइकिल में देखें तो वोल्टेज हमारे पास नेगेटिव आते हैं, करंट हमारे पास पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी। पावर नेगेटिव का मतलब ये है एनर्जी इज रिटर्न्ड बाय द इंडक्टर। अगर हम थर्ड क्वार्टर ऑफ साइकिल में देखें तो वोल्टेज हमारे पास से नेगेटिव आते हैं, करंट भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव आता है, जिसकी वजह से हमारे पास पावर पॉजिटिव आएगी। पावर पॉजिटिव का मतलब ये है एनर्जी इज सप्लाई टू एन इंडक्टर। और इसी तरह अगर हम फोर्थ क्वार्टर ऑफ साइकिल में देखें तो वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव है, करंट हमारे पास लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, जिसकी वजह से पावर नेगेटिव आएगी। पावर नेगेटिव का मतलब ये है एनर्जी इज रिटर्न बाय द इंडक्टर। स्टूडेंट्स, इस तरह अगर हम कंप्लीट साइकिल में देखें तो इंडक्टर को जितनी एनर्जी सप्लाई की जाती है या इंडक्टर जितनी एनर्जी रिसीव करता है उतनी ही एनर्जी इंडक्टर रिटर्न कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में नेट चेंज इन एनर्जी जीरो होता है। इट मींस दैट इन अ प्योर इंडक्टर नो पावर इज डिसिपेटेड। इंडक्टर एज अ चोक, ऐसी क्वाइल जो कोई एनर्जी कंज्यूम ना करे चोक कहलाती है। और जैसा कि हमने अभी आज के क्वेश्चन में देखा कि इंडक्टर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, इस वजह से इंडक्टर एक चोक की तरह काम करता है और इंडक्टर को अल्टरनेटिंग करंट कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज से आज के टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 16.2, नेम द डिवाइस दैट विल परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोजिट द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। पार्ट बी, परमिट द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। स्टूडेंट, 16.2 शॉर्ट क्वेश्चन में हमें उस डिवाइस का नेम बताना है जो डायरेक्ट करंट को फ्लो होने देता है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है, और पार्ट बी में उस डिवाइस का नेम बताना है जो अल्टरनेटिंग करंट को तो फ्लो होने देता है लेकिन डायरेक्ट करंट को अपोज करता है। तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इंडक्टर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट को तो फ्लो होने देता है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर हमारे पास आती है XL इज इक्वल टू 2πfL। यहाँ पे F फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स है और L इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डायरेक्ट करंट है तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को ऊपर वाले रिलेशन में पुट करें तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर XL हमारे पास आती है XL इज इक्वल टू 2π इंटू 0 इंटू L। तो हमारे पास रिएक्टेंस का रिलेशन आता है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इंडक्टर डायरेक्ट करंट के फ्लो में कोई ऑपोजिशन नहीं देता, यानी इंडक्टर डायरेक्ट करंट को फ्लो होने देता है। चूंकि एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होती है, इस वजह से रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर प्रेजेंट होगी, या हम यूं कह सकते हैं कि इंडक्टर फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर इंडक्टर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाए तो इंडक्टर की क्वाइल में जब करंट चेंज होगा तो उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ये बैक ईएमएफ क्वाइल में करंट की चेंज को अपोज करती है। इस तरह इंडक्टर
अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो स्टूडेंट्स 16.2 शॉर्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में हमने देखा कि इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट के फ्लो को तो परमिट करता है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है। स्टूडेंट्स अब हम शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को तो फ्लो होने देता है लेकिन डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास होती है Xc इज इक्वल टू 1/2πfc। यहाँ पे f फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स है और c कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। स्टूडेंट्स डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास जीरो होती है। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हम ऊपर वाले रिलेशन में रिप्लेस करें तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर Xc हमारे पास आती है Xc इज इक्वल टू 1/2π मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय c, दैट इज इक्वल टू 1/0, दैट इज इक्वल टू इनफिनिटी। इसका मतलब यह है कि इस केस में ऑपोजिशन इनफाइनाइट होगी जिसकी वजह से डायरेक्ट करंट जो है वो ब्लॉक होगा, यानी कैपेसिटर डायरेक्ट करंट के फ्लो को ब्लॉक करता है, डायरेक्ट करंट के फ्लो को अपोज करता है। लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होती है इस वजह से ऑपोजिशन फाइनाइट होगी जिसकी वजह से कैपेसिटर में करंट जो है वो फ्लो हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट के फ्लो को तो अपोज करता है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होने देता है। शॉर्ट क्वेश्चन 16.4। अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर, अ स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज इन सीरीज। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन। एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स। स्टूडेंट 16.4 शॉर्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक सर्किट में आयरन कोर इंडक्टर, एक स्विच और एक डीसी सोर्स सीरीज में अरेंज हैं। जब हम सर्किट में स्विच क्लोज करते हैं और थोड़ी देर के बाद स्विच को रीओपन यानी ऑफ करते हैं तो स्विच के कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस स्पार्क इंड्यूस होता है, हमें इसकी रीजन बतानी है। तो स्टूडेंट्स इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। जब हम स्विच क्लोज करते हैं तो सर्किट में करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स इस इंस्टेंट पे करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्वाइल में चेंज होता है और क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। और इसी तरह जब हम स्विच को रीओपन यानी स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट में करंट मैक्सिमम से जीरो वैल्यू की तरफ चेंज होता है। इस इंस्टेंट पे करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों केसेस में देखा कि चूंकि बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और इस बैक ईएमएफ की वजह से स्विच कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस स्पार्क जंप करता है यानी स्पार्क इंड्यूस होता है। रिकैप्चुलेशन। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने देखा कि एक इंडक्टर क्या होता है, बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू एन इंडक्टर सीखा। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिफाइन किया, डिपेंडेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस को पढ़ा और स्टूडेंट्स पावर डिसिपेशन इन एन इंडक्टर को देखा। और लास्ट पे हमने एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन 16.2 और 16.4 को सॉल्व किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 500 ओम। क्वेश्चन 2, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन व्हाई इंडक्टर कॉइल डज नॉट कंज्यूम एनर्जी। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन हाउ इंडक्टर्स बिहेव लाइक रेजिस्टर्स इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। थैंक यू वेरी मच।